हाँ जी, सत श्रीकाल जी, सारा स्वागत है थोड़ा पंजाब अड्डा 24/7 ते। मेरा नाम है गगनदीप ते आपां बैक फिर तो वापस आ गए ने। थोड़ी जी टाइम की घाट रह गई कि P SSS क्लर्क का बहुत वधिया चले जाता सी, आप थोड़े डाउट लैने भुल गए। तो एक पूछते ने, हाँ जी कौर बाट, हाँ जी स्टूडेंट कैन जॉइन द ग्रुप, इतने मैं पाया होया कि नहीं पाया होया। तो हाँ जी स्टूडेंट जॉइन कर सकते हैं, ग्रुप का ना की है, ग्रुप का ना पढ़ो जरा, तुसी टेलीग्राम ते लिखो पंजाब अड्डा 24/7, बिना किसी स्पेस दे है, पंजाब अड्डा 24/7 है ये, तुसी टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, हाँ जी ये क्वेश्चन किया कल मैं भी, मेरा भी पता नहीं दिमाग जहा की हो गया, मैं भी बाद सोचा की कर गया मैं। तो इस सवाल दिता की सब तो बड़ा केड़ा है ना, दस्यो माड़ा जहा केड़ा होगा सब तो बड़ा, तो मतलब की है माड़ा दसो ध्यान दे के है ना। टैलीग्राम च पा देना, पा देना, टेंशन ना लो, पहले क्लास कर लिए। तो यह तो देखो 0.7 का 0.7 ही है, यह हो गया 0.49, तो यह 0.78 का 0.78 रहेगा। यह की बने, इनू किवें सॉल्व करिए, आप रूट 7/10 लिख दिए, लिख सकते हैं ओबियस जी गल है। इनू 70/100 कर दिए, ओबियस जी गल है। हूँ जो 10 का रूट कढ़ना हो, 10 आ जाऊगा, 100 का रूट, सॉरी 100 का अंडर रूट 10 हो गया, तो एक सारे नूं पता भी 64 का अंडर रूट 8 होंदा, तो यह तो है ही 70, तो ओबियसली 8 तो उत्ते होगा, मतलब कि यह 8 point something होगा, मतलब कि यह 0.8 हो गया। तो सब तो वड्डा होया रूट 7 होया, कल 0.70 कर गया, मैं भी तेरा दिमाग खराब हिलया होया सी, मैं भी पता नहीं कि आंसर हो गया जी रूट अंडर रूट 0.7 दी बुक आ, उहदी लैंग्वेज पैटर्न इंग्लिश है या पंजाबी। सुलखण कौर जी, उहदी जिहड़ी पंजाबी वाले टॉपिक ने उह पंजाबी च ने, बाकी है जी इंग्लिश है। तो डोमिसाइल वाला सर्टिफिकेट नाल लगाना जरूरी है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन टाइम जरूरी है, दस दो प्लीज। देखो जी जजत कंबोज, उन्होंने नोटिफिकेशन से साफ दस्या होया भी थोनू PDF राही PDF बना के अपलोड करने ने, अपना 10th का, अपना ग्रेजुएशन का, अपना जे तुसी कास्ट तो बिलोंग करते किसी तो SC ST OBC, जे तुसी रिजर्वेशन का बेनीफिट लेना, तो जी तुसी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट ते नाल नाल अपना कास्ट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना। देखो जी हुंदा तो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम है, बट सानू नहीं पता। देखो चक्कर की है, मैं पहला की दस्या सी 2300 पोस्ट है ना, 2300 की थान ना उन्होंने ना, जिन्होंने पेपर देता, जिन्होंने अपने कंप्यूटर की जो टाइपिंग भी पास करती, उस तो बाद भी इन्होंने इन्ना बच्चा इंटू 3 times बच्चा बुलाना, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 7000 बच्चा आ रहा, तो इन्होंने किसी तो कढ़ना ही है, सारे नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरी मिलनी है कल 2300 बच्चे, ठीक कह रहा कि नहीं, 2300 बच्चे मिलनी है। तो जे थोड़े को थोड़े नंबर 60 हो, मान लेते जो दूजा आया हुआ जिन्हें अपना अपलोड किया हो, जो तुम अपलोड किया थोड़े वो भी नंबर 60 है, तो ओबियसली थोड़ू तो बाहर क्ढन गए, ठीक है। हाँ जी होर, हाँ जी अप्लाई करने टाइम नाल ही अपलोड होगा, हाँ जी हाँ जी अप्लाई। देखो यार जे तुसी बेनीफिट लेना रिजर्वेशन तो बार बार दस रहे हैं, तो ही करना होगा थोनू डोमिसाइल अपलोड, वैसे कोई लोड नहीं है। चलिए ये समझ आ गया थोनू, आ देखो कल गलत हो गया सी क्वेश्चन, बच्चे भी पता नहीं की कर गए, मैं भी पता नहीं की कर गया। ये आंसर आंसर यदा होगा अंडर रूट 7, क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट 0.7 है, 0.7 आप 7/10 लिख सकते हैं, तो 7/10 मतलब 70/100 लिख सकते हैं, 100 का अंडर रूट 10 होंदा, तो 70 सानू पता नहीं भावें, बट 8 का तो पता, 8 का स्क्वेयर 64 होंदा, मतलब कि 64 का अंडर रूट 8 होंदा है, तो ओबियस जी गल है 8 तो उत्ते ही होगा, 70 64 तो उत्ते ही होंदा 70, तो जी 8 point something होगा, यह आंसर आऊगा 0.8, तो जी आंसर आ गया अंडर रूट 0.7, ठीक है जी। चलो सवाल करो अगला, कहिंदे जी वट इज़ द मीन ऑफ फस्ट 100 होल नंबर, बहुत वधिया सवाल, बहुत ही सिंपल जिहा सवाल, मैं थोड़ा देखना चाहना भी की करोगे आंसर, इसका मीन दसो पहले 100 होल नंबर का, ध्यान दे के पहले 100 होल नंबर का। कोई कहिंदा क्वेश्चन मार्क, कोई कहिंदा डी,
ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ? ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੀਨ ਆਫ ਫਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ, ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਬਾਏ 2, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਦੂਜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 100, 1 ਪਲੱਸ 100 ਬਾਏ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ 101 ਬਾਏ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ 50.5 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ 0 ਤੋਂ 100, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਪਲੱਸ 100 ਬਾਏ 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆਇਆ 50 ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆਂਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਇਆ ਡੀ। ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ 0 ਤੋਂ 100 ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੋਂ 100, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 100 ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ। 0 ਤੋਂ 100 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ 50 ਆਊਗਾ ਅੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬੀ ਐਡਿਡ ਇਨ 2000 ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 19, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ 2000 ਵਿੱਚ ਜਿਹਤੋਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੋਂ 19 ਤੋਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਮਲ ਰਿਆੜ ਕਹਿੰਦੀ ਡੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ 2019 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 19, ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ। ਨਾ ਜੀ 119 ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੋਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਾ 2000 ਚ ਐਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 19 ਦਾ ਟੇਬਲ। 2005 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਐਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 2014 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 2011 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 2019 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 2000 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 19 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, 19 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 0, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0 ਅਤੇ 0, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 100, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 19, 5, 95, ਮਤਲਬ ਕਿ 5, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 2000 ਤੋਂ 5 ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1995 ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਏ 19, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 1995 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 19 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ 19 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 5, 19, 95 ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 19 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਊਗਾ 2014, ਬਸ 19 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2000 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ 5 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 14। ਦੇਖੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ BC 2 14 ਕੁਛ, ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 14। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਾਸ, ਸੋਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਓਬਟੇਨ 33% ਨੰਬਰ ਟੂ ਪਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ 84 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ। ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਓਬਟੇਨ 33% ਮਾਰਕਸ ਟੂ ਪਾਸ, 33% ਨੰਬਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ 84 ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 99/2 ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, 49.5 ਹੋਊਗਾ, 49.5 ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, 0 to 100 ਨੰਬਰ ਕਹੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ 49.5 ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 99/2 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਨੰਬਰ 0 to 99 ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ,
ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਆਬਟੇਨ 33% ਨੰਬਰ ਟੂ ਪਾਸ ਐਂਡ ਹੀ ਗੋਟ 84 ਜੇ 84 ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਲੱਸ 15 ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਗੋਟ ਲਿਖਦੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਗੋਟ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਸ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲੈਸ ਮਾਰਕਸ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹ ਆਜੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਆਜੂਗੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 84 + 15 ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 99 ਅਤੇ 99 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ 33% ਅਤੇ ਜੇ 99 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 33% ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 100% ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 100 × 99/33 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 300 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ 300 ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 300 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਪਟੇਨ 33% ਨੰਬਰ ਟੂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 33% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ 84 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 84 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ 100 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 33 ਨੰਬਰ ਪਾਸਿੰਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਆਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 13 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ 20 'ਚ ਆਪਾਂ 13 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 33 ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ ਬਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂ ਕਰਨਾ 84 'ਚ 15 ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 99 ਅਤੇ 99 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜੀ 33% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ 33% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 100 ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਸ 100 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਖਤਮ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਏ 3 ਗੈਟ 1 ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਂਗ ਗਿਵਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੋ 3 ਤੇ ਪਾਓ 1 ਕਿੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 25% ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ ਭਾਜੀ ਕੱਬੇ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੀਟੈਕ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਬੀਟੈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਏ 3 ਗੈਟ 1 ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕੱਲੇ 3 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ 4 ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬਟ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ 3 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪਏ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 4 ਮਤਲਬ ਕਿ MP - CP / CP × 100 ਆਜੂਗਾ MP ਦੀ ਹੋ ਗਈ 4 - 3/ MP × 100 ਮਤਲਬ ਕਿ 4 - 3/4 × 100 ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 25% ਦੀ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਏ 7 ਗੈਟ 8 ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕੱਲੇ 7 ਦੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢਣਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ 7 ਦੇ ਆਈਆਂ 8 ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 - 7/8 × 100 ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਆ ਜੀ LCM ਕੱਢੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 9 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਅਤੇ 7 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਕੌਮਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ
बहुत ध्यान नाल करना, 7 दी पावर 5, 9, 8 ते 12। अमनप्रीत कौर, ये एक्चुअली आप पेपर दे ही कर रहे, एक हिसाब नाल ये मॉक टेस्ट ने, तो जी थोड़े जे कंसैप्ट आप दस भी दिने, बट आप प्रॉपरली आप तुहानू समझा नहीं सकते इस क्लासा च, तुहानू क्लासा फिर दूजी लानी पैनी। इस तो प्रॉपर मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तुसीं जिवें दिखाया मैं 20 डे 20 एक्सपैक्टेड पेपर, क्योंकि देखो 15 नंबरों का देखो टोटल आना मैथ्स ते रीजनिंग चो, तो उस हिसाब नाल कर रहे हैं आप। हाँ जी, किसी का नहीं आया तो देखो माड़ा जा एल सी एम की होगा, जदों भी इहो जिहा सवाल आऊगा ना, 7 की पावर 5 9 8 12, इस सवाल च तुसीं करना की है, सब तो जिहड़ी वड्डी पावर होगी ना वह हमेशा थोड़ा एल सी एम होगा, तो नाले एच सी एफ वाला भी सवाल पूछ सकते, जो एच सी एफ हो गया तो सब तो छोटी पावर थोड़ा एच सी एफ हो गया, ये गल ध्यान रखनी है, को जदों भी पेपर सवाल आए इन्हों चार जो सब तो वड्डी पावर हमेशा एल सी एम होगी, सब तो छोटी पावर हमेशा एच सी एफ होगी, जिवें आप पेपर से करते कि होंगे आप, एक हो गया 12 आ गया है ना, एक आ गया साढ़ा 24 आ गया, यदा एल सी एम आप 24 कटते होंगे, ठीक है, तो आप जो एच सी एफ कटते आप किवें करते हैं, आप ए नहीं कटते फिर, ये जेडे इक्वल आ गए, 2 3 6 6 2 12 ए कटते होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना जिहड़ी भी सब तो वड्डी पावर होगी वह होगी एल सी एम, तो सब तो छोटी पावर जिहड़ी भी क्वेश्चन च होगी वह होगी एच सी एफ, ठीक है जी। किहड़ा क्वेश्चन पूछते कंवरदीप सिंह, मैं समझा नहीं, दसो माड़ा जा, चलो ये अगर बाकी अगला सवाल करो, कहिंदे कंटोनमेंट 1200 परसनल ने ते उन्हां कोल 24 दिनों का खाना है, कहिंदे जी अनदर बैच ऑफ 400 बंदे होर आते हैं, तो माड़ा दस्सो भी होर किन्ने दिनों तक खाना चलूगा ये। कमरदीप सिंह पता चक्कर की है, साढ़े को ज़्यादा जी फीडबैक आती होंगी, सानू कहते होंगे जी क्वेश्चन करा दो, क्योंकि 20 दिन रह गए ने पेपर च, तो जिन्हें एक्सपैक्टेड क्वेश्चन सानू लगते हैं असी वो कराई जाने हैं, ता करके सानू क्या होया, तो जिहड़ा फिर उही गल थोनू तुसीं कहोगे, तुसीं जे प्रॉपर पेपर एडिट करना चाहते तो थोनू P SSS का थोनू बैच लेना पैना, वो अंदर देखो की है, इधर हजी गल्लां भी मार रहे ने मेरे को अजीब अजीब जो सवाल भी पुछते हैं कुछ, बट जो बैच हों बैच प्रॉपर पेपर ओरिएंटेड होगा, एक क्लास होगी थोड़ी उत्थे बेसिक जी कराऊंगे वो, तो बेसिक नाल नाल थोनू क्वेश्चन भी कराए जाऊंगे उत्थे, ठीक है जी, वो थोड़े उत्ते हुण। तो यह सवाल देखो, अच्छा कंटोनमेंट से कहते 1200 लोग ने, तो उन्होंने को 24 दिनों का खाना है, तो अनदर बैच आता 400 बंद ना, तो माड़ा दस्यो हाउ मैनी डेज विल द फूड लास्ट, हाँ जी छेती कोई तो दसो आंसर, ऐ ना करो वो कितने गया विदाउट पेन वाला बई, हाँ जी ना ना मैं नहीं लगवा सकता यार ता जी देखो कहा कि एक क्वेश्चन थोनू मैं दस्या एक फॉर्मूला मैन इंटू डेज इंटू आरस अपॉन टोटल वर्क, जो भी यहोजा सवाल है तुम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो, या फिर बहुत ही बेसिक जी गल है महाराज ध्यान दे के भी 1200 लोग ने मान लो है ना, 1200 लोगों को 24 परौंठे मान लो, 1200 लोगों को 24 परौंठे, हर मतलब 1200 लोगों ने 24 परौंठे ने, बट हुण बंदे हो गए 1600, तो जी किन्ने दिन तक चल सकता, तो उन्हूं आपां कुछ नहीं करना, आपां 1600 करना, क्यों क्योंकि कहा इन्होंने 400 पीपल हैव अराइव्ड, मतलब कि पहला 1200 सी तां 400 होर बधे होने, तो उही इदां ही फॉर्मूला आप करते कि M1D1H1 upon W1 = M2D2H2 upon W2, तो इतने वर्क भी है नहीं आरस भी है नहीं, मैन तो डेज निकल ले, मैन किन्ने ने 1200 इंटू डेज किन्ने ने 24, मैन किन्ने ने 1600, डेज किन्ने ने कढ़ने आ, बस आ गया जी 18 आ गया थोड़ा,
ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ MDH/W ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 18 ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸਤਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਤਾ ਯਾਰ ਦੱਸਤਾ ਆਨਸਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ 1/3 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਐਰਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ध्यान नाल करियो बहुत सौखा सवाल है भी 1/4 नाल मल्टीप्लाई करता करना सी उन्हें 1/3 नाल मल्टीप्लाई तो माड़ा जिहा दस्सियो भी परसेंटेज एरर कितना आया होगा कैलकुलेशन विच रिपीट कर दिए कोई चक्कर नहीं तो देखो जी एक फॉर्मूला होंगे टाइम एंड वर्क का इन आप लिखते होंगे MDH मसाले आते MDH/W एम मतलब हो गया नंबर ऑफ मैन वूमेन या चिल्ड्रन जो भी दिता डी का मतलब हो गया डेज एच का मतलब हो गया घंटे आरस तो डबल्यू का मतलब हो गया वर्क जिन्ना भी गिवन हुआ हूँ ये अंदर देखिए इन्हें अंदर ना इन्होंने वर्क दिता हो ना इन्होंने आरस दिते हुए इन्होंने दिते कल मैन तो डेज दिते हुए इन्होंने तो जी मैन की थान इन्हें लिख दो M1D1 इज इक्वल टू M2D2 ए करना बस एम की थान 1200 लिखो D1 की थान 24 M2 की थान 1600 क्यों क्योंकि 400 बधे ने तो पुराने तो है ही हैं Into D2 बस इनू कटना तुसी तां D2 की वैल्यू आ गई किन्नी किन्नी 18 ये है तो कुछ भी नहीं सौखा सवाल ये बारे गल करते तो कहिंदे जी उन्हें पहला 1/4 नाल करता मल्टीप्लाई करना सी उन्हें 1/3 नाल हुण करांगे कि हुण असी इहो जिहा एक नंबर लभना जिहड़ा 4 तों भी 4 दा भी मल्टीपल होवे ते 3 तो भी डिवाइड हो जाता होगा यह होंगे जी 12 सब तो नेड़ला लै लो सब तो नेड़ला लैके ही फायदा तो जी जो 12 आप 4 1/4 मल्टीप्लाई करिए 12 आप 1/3 मल्टीप्लाई करिए 3 चौके 12 यह आ गया 4 तो 4 तिया 12 यह आ गया 3 मतलब कि आना चाहिए सी कि 4 आना चाहिए सी आंसर आंसर आ गया 3 तो परसेंटेज एरर कितना आ गया आना चाहिए सी ए आ गया 3 मतलब कि 4 आना चाहिए सी 3 आ गया 4×100 बस ये आ गया जी 25 आंसर सोडा 25 आ गया आंसर ठीक है जी समझे गल कुछ भी नहीं थी बहुत ही सौखा जिहा सवाल से 1/3 मल्टीप्लाई करना सी गलती नाल करता सी 1/4 मल्टीप्लाई तो बस आप लै लिया एक नंबर विचारला भी 12 नाल जिहड़ा 3 भी मल्टीप्लाई होंदा होवे 4 भी मल्टीप्लाई होंदा होवे ते बस आ गया वो तो 3 आ गया तो 4 आ गया पहला आना चाहिए सी 4 आ गया 3 ते आपा जिहड़ा डिवाइड दे थल्ले लिखदे आ ना आपा वो लिखदे भी जिहदे नाल आपा कंपेयर करना आपा कंपेयर किहदे नाल करना सी भी जी जिहड़ा एक्चुअल एरर आंदा तां करदा 4 -3/4×100 बहुत जी 1/4×100 आंसर आ गया जी 25% मंजू बाला 12 की लिखिया तुसी चलो अगे चलिए ना कहते जी सम ऑफ टू नंबर इज 12 एंड देर प्रोडक्ट इज 35 माड़ा जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दी नंबर करो जरा ये करो आराम करो सवाल ये बहुत टाइम है साढ़े को करो मैं देखना चाहता तो थोड़ी अप्रोच किमें जाती है किमें करते हो तुम क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना शुरू कर देंगे या थोड़ा ज्यादा ध्यान ला के कर दौ करो जरा माड़ा जहाँ चलो सोल्व करके देखते हैं इतने की है कि कहते सम ऑफ टू नंबर इज 12
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ 35 ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ x ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ 35 ਬਾਏ ਬਾਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ x ਹੈ ਦੂਜਾ y ਹੈ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ 1/x + 1/y ਕੱਢਣਾ LCM ਲੈ ਲਓ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x + y ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ x + y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 x * y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਇੰਨਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਇਹ ਇੰਨਾ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਮ ਆਫ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਿਖਿਆ 1/x + 1/y LCM ਆ ਗਿਆ x / y ਤੇ ਉੱਤੇ x + y x + y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 12 x * y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 35 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ PSSSB ਦਾ ਪੇਪਰ ਹਰਸ਼ਾ ਸੂਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਡੇਟਸ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਇਹ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਸੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਫਟਰ 5 ਇਅਰਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਵੀ 8 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 30, 35, 40 ਜਾਂ ਫਿਰ 45 ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 12/35 ਹੋਇਆ 35/12 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਇਹ ਥ੍ਰੀ ਮਤਲਬ 40 ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪੈਂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ 35, 35, 35 ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 300 ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਲੱਸ 100 ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 400 ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਪਲੱਸ 100 ਹੋਊਗਾ 500 ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਲੱਸ 100 ਹੋਊਗਾ 600 ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਪਲੱਸ 100 ਹੋਊਗਾ 700 ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ 800 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 5 ਹੋ ਗਏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ਮਤਲਬ ਕਿ 7, 5 ਹੋ ਗਿਆ 35 ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੋ ਕੀ ਗਏ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ T1/T2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N1-1/N2-1 T1 ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ T2 ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤਾਂ N1 ਕੀ ਹੈ N ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਵਾਰੀ ਚਾਲ ਲਓ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ N2 ਕੀ ਹੈ 8 ਵਾਰੀ 8-1 ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1/7 ਬਸ T2 ਆ ਗਿਆ 35 ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਐਂ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ T1/T2 = N1-T2 = N1-1/N2-1 ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਂਸਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 35 ਇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਟਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ 4% ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਇਹ
हाँ जी 10% डिस्काउंट दिता जा रहा है किसी चीज़ ते, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 4% ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ 4% ਹੋਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 33.6 30 ਦਾ 22 ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 13.6 ਦਾ। जशनीत सिंह कहिंदा 13.6। अच्छा होर रजत कंबोज भी कहिंदा 13.6। अच्छा लेट कर लिए 100 सीगा, सौ है जी, 10% डिस्काउंट देता आ गया 90। हुण 90 ते भी कहिंदे जी 4% दा देता उहनूं कैशबैक। हुण जी 4% 90 दा 4% कढ़ना पैणा तुहानूं किन्ना होगा, तां थोड़ा जिहा तुहाडे लई टिपिकल जिहा हो जाऊगा भी 90 दा तुसीं 4% किवें कढोगे। तां मैं प्रैफर करदा तुसीं 1000 लिख लो, इहनूं 900 कर लो, तां -36 तां तुसीं कर ही सकदे हो कि नहीं कर सकदे, कर सकदे हो। इह आ गया जी 864 आ गया, ये कितना घट है तो 136 घट है, मतलब कि 13.6% का डिस्काउंट मिले। आंसर है जी डी, बहुत सौखा सवाल सी है, कुछ भी नहीं सी भी 10% डिस्काउंट दिता होया उस तो बाद 4% का कैशबैक अड मिल गया, मतलब कि उन्होंने 1000 वाली चीज़ तो पई तो उन्होंने इफेक्टिवली 864 रुपए च पई उन्होंने चीज़ कि 900 च पई, क्योंकि 36 रुपए तो उसके कोल पेटीएम वालेट च आ गए, फोनपे जां कि भी आए होने, तो 864 की चीज़ पै गई उन्होंने, 1000 रुपए की कितने परसेंट का डिस्काउंट आ गया, यह आ गया जी 136 का। ऐ करना तो ऐ कर लो, 1000 - 864 / 1000 * 100 यह आ गया 136 / 10 यह आ गया 13.6%, ये आ गया थोड़े सामने। ठीक है जी, चलिए अगे। चलो ये वाला करो माड़ा सवाल, कहिंदे शुगर का प्राइस इंक्रीज हुंदा है 20% तो, जे शुगर का प्राइस इंक्रीज हुंदा है 20% तो जी व्हाट परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर, कहिंदे खर्चा उन्ना ही रहे भावें शुगर का रेट बद गया बट असी खर्चा नहीं बधाना, तां जी किन्नी कंजम्पशन घटानी पैनी ये दसो माड़ा जा। किरणजीत कौर हजे तक सिलेबस कुछ नहीं पता सी, प्रोबेबल के हिसाब नाल चल रहा भी जिवें तां पिछले साल का आया सी असी उस हिसाब नाल चल सकते, क्योंकि जे सिलेबस दिता नहीं है तो ओबियसली आप पिछले साल के सिलेबस लेकर चलना, आप नवा तो आप इनवेंट करना नहीं कोई भी कब्बा जा कुछ हो रहा ना। तो देखो कहा कि है एक गल ध्यान रखो, प्राइस होंगी इनू इन टू कंजम्पशन करिए इनू एक्सपेंडिचर आंद, मतलब कि 5 रुपए की कोई चीज़ है तुम एक चीज़ खरीदते हो तो थोड़ा खर्चा तो 5 ही होया, 5 रुपए की कोई चीज़ है वह 2 खरीदते हो थोड़ा खर्चा 10 रुपए होया, 5 रुपए की कोई चीज़ उन्होंने 3 खरीदते हो तो थोड़ा खर्चा 15 रुपए है। तो इन्होंने कहा भी प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, तुसी कुछ भी लैट कर सकते हो, कुछ भी कर लो लैट, 5 है 5 का 20% होंगे 1, तो कहते शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया 5 - 6 हो गया, बट कहा भी किन्ने हिसाब नाल असी कंजम्पशन घटाइए भी एक्सपेंडिचर ऑन शुगर उन्ना ही रहे, मतलब इन्हों दोनों कि मल्टीप्लाई करिए भी ये चीज़ इक्वल आ जाए, तो ओबियसली इन्हों ही आप अच्छी मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू 6 कर दो, ए इंटू 5 कर दो, तो एक्सपेंडिचर पहला भी 30 सी हूँ भी 30 है, बट समान देखो पहला 6 आता रहा हूँ 5 आ गया, तो 6 - 5 / 6 × 100 ये 600 ये आ गया जी 16.66 जहाँ कहें 16.66
ठीक है जी, बन गई गल मेरे। 15 सवाल आने हैं, देख पता यार रीजनिंग ते मैथ दे ना मिला के ही 15 सवाल आने हैं, ते तेनू सौखे लग रहे हैं, अपने नाल वालों नूं भी देखो, पूरा पंजाब ने पेपर देना है, ए थोड़े कंसैप्ट क्लीयर ने तां बहुत ही, तेनू जिवें लग रहा बहुत ही सौखा सवाल है, मेरे कंसैप्ट ओके है, मैं कहिंदा बहुत सौखा सवाल है, जिहदे कंसैप्ट नहीं उहदा नहीं बनना, तां करके ठीक है जी, इह ध्यान दो, बहुत सौखा सवाल है जी। 16.66% अच्छा जी, नबेड़ा हो गया अज छेती। चलो जी, जिहड़े पुछते सी पी ट्रिपल एस बी कलर्क बारे, उहदे बारे उहनां नूं दस दईए माड़ा जिहा, पी ट्रिपल एस बी कलर्क दा बैच है, इह 1-2 दिनां च शुरू होण वाला, बस इहदी कीमत थोड़े लई 1840 रुपये रखी गई है, वैसे 8000 रखा होया इन्हां ने, बट एक कोड यूज़ करोगे Y383, ये थोनू मैक्सीम डिस्काउंट मिल जाएगी, मिल जूगा कि 77% या 78% होंगे, कुछ थोड़ी उत्ते है, जे तुसी लेना चाहते हो तो ये यूज़ करो। तो बाकी मैं जिहड़ा आप सुजैसट करदा, मैं सुजैसट करदा हुन्ना भी तुसी लो महापैक, क्योंकि वो अंदर 7-8 पेपर जिन्हें भी आने वाले ना, देखो महापैक है 1 साल का है, एक है 2 साल का, तो ये अंदर जिन्हें भी पेपर ने ना 1 साल आएंगे 2 साल जिन्हें भी पेपर आएंगे पंजाब जे, उन्होंने सारा का रिकॉर्डिड क्लासिज हो, लाइव क्लासिज हो, PDF होगी, मॉक टेस्ट होगी, टेस्ट सीरीज होगी, ई बुक्स भी होड़ी वाली, ये 2 तो पुरानी आ चुकी, टोटल 9 ई बुक्स ने, सब कुछ मिल जूगा थोनू कि महापैक मिल जूगा थोनू। जोड़ा 1 साल वाला यदि कीमत है 3200 रुपया, 2 साल वाले की कीमत है जी 4000 रुपया, डिस्काउंट लाना पैना थोनू एक कोड लग के Y383। देखो जी मैं तो यह कहना भी तुम मान लो मैं होया मेरे यार बेली हुए 3-4 असी तो कट्ठे होकर आप ले लिए, क्योंकि देखो थोड़े भी जानकार होने जे PSSSB की तैयारी कर रहे होने, तो हूँ अगर नैब का पेपर आऊगा, सब इंस्पैक्टर का दोबारे आ रहे, इंटेलीजेंस असिटेंट का दोबारे आ रहे, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर आ रहा, तो मैं नहीं कहना बार 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 पैसे पट्टो, 3-4 जने मिल के एक लै लो, ये 3200 रुपये पैंदा, या 2 साल वाला 4000 तो पैंता, 3-4 मिल के लै लो, कोई एडा होया नहीं, क्योंकि जो 3200, 3000, 4000 तो थोड़ा पेपर निकलता, थोड़ी नौकरी लगती है, तो वधिया मैं कहना कुछ है नहीं। होर थोड़े लिए किताबां ने 2 अजकल, एक तो जी पंजाब GK की प्रोपर पेपर ओरिएंटेड है, ये 299 की पै जाती है, तो ये 229 रुपये की है, कुछ दी है, कोड यूज़ करना पैना थोनू वाला, ठीक है जी, तो थोड़ी गल टेस्ट सीरीज भी ने थोड़े उत्ते हुण करनी है। हाँ जी, हुण सवाल पूछ लो जे कुछ पूछना किसी ने। अकाउंटिंग वाले का पेपर किवें आवेगा, एक अकाउंटिंग दे अजकल आप देख रहे हैं, आप सिलेबस हुण कढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो दस्या नहीं उन्होंने, तो सानू देखना पैना भी होर पेपर च किवें दा सिलेबस आंदा रहा, पंजाब दे पेपर च किवें दा सिलेबस आंदा रहा, उहदे वल ध्यान रखना आपां थोड़ा जिहा। सही गल साडे लई मुश्किल है, इस साल नहीं लगाना, इस साल च नहीं लगना। खुशप्रीत सिंह गल पता की है यार, साल लगाने की गल नहीं है, 1 साल का मतलब है 1 साल की वैलीडिटी है, जे तुसी फोन का रिचार्ज कराते हो 3 महीने का है ना, वह मतलब की होंगे वैलीडिटी है। देखो जी आप तैयारी तो खिंच के करी दी है, आप मैं ही कहना ऑल द बेस्ट, मैं की कहा जे तुसी लेना तो लो, मैं नहीं कह रहा, ठीक है थोड़े उत्ते गल है, मैं तो यह कह रहा भी देखो सानू पता अपना कैलीवर कित्थे है, तो कई बार हो जाता आप पेपर जाके भी कुछ हो जाता, कई मैं तो चलो तो की गल करनी कई बार होंगे जी पेपर साडा पास नहीं होंगे, फिर आप करा एक फ्यूचर प्लैन लैके चलिए भी खर्चा भी घट हो, हमें देखो गल पता की होंगी यूट्यूब की है, यूट्यूब गल्लां बातें बहुत चलदियां ने भी सर लेट हो गए, होर दसो की चलता, गगन सर की करते, विआह हो गया थोड़ा, ये नहीं हो गया वो हो गया, बट जो जे अपने जे परसनल बैचिज होंगे आपस गल करते, तुम साढ़े इंटरैक्ट भी कर सकते हो, तुम सूँ पूछ भी सकते हो, कुछ थोड़ी वॉइस भी आऊगी वो अंदर, आप बंद करके रखते जो डाउट है उदो पुछ लिया, तो वो अंदर यह होंगे वो अंदर बच्चा होंगे सीरीयस, वो ये गल्ला नहीं करता भी सर ये कर लो वो मैडम कितने है, वो मैडम छड गए, कंप्यूटर वाले मैडम कितने ने, सर कितने ने, थोड़ी क्लास कदों होगी, टैलीग्राम ग्रुप दस दो, उस ग्रुप उस दा फायदा बस ये है, ये थोड़े उत्ते है, ठीक है जी। हुणे तो आए थे कोई नहीं उमेश कुमार, वो कर लो रिपीट रिकॉर्डिड पई है देख लो, तो होर किसी कोई डाउट पूछना हो पुछ लो। हाँ जी SSG ये क्लास डेली होंगी, देखो 2 क्लासा होंगे जी, 8 AM होंगी डेली होंगी, करंट अफेयर की क्लास होंगी, तो 4 PM डेली होंगी कि मैथ्स की क्लास होंगी है, करंट अफेयर आप करा रहे हैं जी टॉप 1000 सवाल मई तो लैके अक्तूबर तक के, नाले नाल नवंबर के भी अजकल जे डेली दे चल रहे हैं ना, क्योंकि पेपर से तो देखो नवंबर के भी आने ही है, तो नवंबर के भी आप 8-10 जे मेन होंगे वो करा रहे हैं, तो नाल नाल टॉप 1000 क्वेश्चन आप नबेड़ने 20-22-25 क्लासा, ठीक है जी। चलो जी हुण रैपअप करदे, किसी ने कुछ डाउट पूछना होवे, किसी पेपर बारे पूछना होवे तां छेती छेती पूछ लवे, होर जिहड़े नवे बच्चे ने उन्हां नूं पता ही है, पुराने बच्चे लई पंजाब अड्डा
24/7 करके एक टैलीग्राम चैनल है, ये जरूर सबसक्राइब कर लियो, ठीक है जी। तो जिन्हों की तैयारी कभी है, जिन्होंने फटे चके हुए ने, कहते सर सानू इन्नी लोड़ नहीं, उन्होंने मैं प्रैफर करांगा जी ये टैसट सीरीज़ है जी। 10 फुल लेंथ टैसट ने, लेटैसट पैटर्न के टैसट ने यह। मैं पहला भी बच्चों कहता रहा भी पी एस पी सी टैसट सीरीज़ बहुत वधिया, तो ये मैं दस रहा थोनू बहुत मिलता जुलता पेपर है, जिन्होंने पेपर टैसट सीरीज लीती होगी उन्होंने पता होगा। तो यह है जी टैसट सीरीज़ है, यदि वैल्यू मैंने नहीं पता अराउंड 200 to 300 के बीच पैंती है आफ्टर डिस्काउंट आफ्टर वो कोड लाने तो बाद Y383, ठीक है। चलो जी आप हूँ रैपअप करते, सत श्रीकाल सारे, सारे ने ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट है। तो सवेरे मिलो मैं किन्ने बजे, 8 बजे 8 AM करंट अफेयर टॉप 1000 क्वेश्चन। तो शामी रोज़ मिलता थोनू 4 बजे मैथ्स की क्लास, देखो रोज़ नहीं मतलब संडे सुंडे तो आप भी छुट्टी मारनी पैंती थोड़ी जी, हाँ ठीक है जी। सुपरवाइजर एग्जाम डेट क्यों नहीं आ रही सर, यार एग्जाम डेट तो छड़ तू रिजल्ट का नहीं पता लग रहा हूँ कॉन्स्टेबल का, पहला सानू जिन्हों तो सानू पता लग गया कहते जी अक्तूबर लास्ट वीक आ जूगी, वो फिर नोटिफिकेशन जी आउट होगी भर्ती वाली 16 तरीक तो कहते भर्ती है, कुछ नहीं पता लग रहा जी की चल रहा, असं ये उत्ते हूँ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि देखो वो हो गया फिर थोड़ा बेवकूफ़ बनाने वाली गल होगी, कल सू व्यूज़ लिए बुला लिए वह फायदा नहीं, वो आप काम करते नहीं, आप उदों ही गल करा जो तो कंसोलीडेट होगी। हैगा भीरे उमेश कुमार एक पंजाब अड्डा 24/7 डिस्कशन ग्रुप भी है, उत्थे तुसी साडे नाल इंटरैक्ट कर सकते हो, टैलीग्राम च पा देना हुण क्लास तो बाद, एक बार थोनू दिखा भी दिए कोई जेडे रह गए ने उन्हां नू दिखा दिए पेपर है, थोनू पेपर दिखा दिए हुण ना, आ देखो जी आ है जी प्रीवियस ईयर का पेपर का पी ट्रिपल एस बी कलर्क का, पंजाबी दे सवाल आए हुए ने बहुत सारे, 15 सवाल पंजाबी दे आए सी, ते फिर अंग्रेजी दे आए सी काफ़ी सारे, 14 सवाल आए सी कल्ले नंबर सेंटेंस करैक्शन तो, कल्ला एक सवाल केड़ा ए आला, 30वां सवाल आया सी कल्ला जिहड़ा कहिंदे जी स्पैलिंग अपनी मिस्टेक दसो, फिर करंट दे सवाल आए हुए ने, मैथ दे रीजनिंग दे बहुत घट सवाल ने, आ देखो पंजाब जीके दे आ गए, पंजाब जीके च की कुछ आ गए, डैम आ गए साडे गुरु आ गए, साडी वर्णमाला आ गई, ग्रामर भी पंजाबी ग्रामर इनकलूड करके कह रहा मैं, तो प्लेसिस आ गई, ये सब आया सी उहदे अंदर, पिछले साल की गल कर रहा मैं पेपर की, फिर जी हिस्टरी आ गई इहदे अंदर, आ करंट अफेयर के सवाल आ गए, इंडियन वूमेन की कॉमनवैल्थ की हॉकी टीम की कैप्टन कौन सी, गिर फॉरैसट कितने, नैशनल पार्क आ गए ने, फिर करंट अफेयर के सवाल आ गए ने, कर मैथ्स से रीजनिंग का बहुत घट सवाल ने, टोटली 15 सवाल आए हैं, थोड़ा पता नहीं लगना, जेडे कहें भी मैथ्स से रीजनिंग नहीं आती असं किए करिए, थोड़ू टेंशन लैन की लड़ नहीं, कंप्यूटर के सवाल वधिया आए हुए हैं, देखो कि वधिया सवाल है, गुरुमुखी अल्फाबैट इज इनकलूडेड इन विच कोडिंग स्कीम, एक कंप्यूटर का सवाल भी होगा, पंजाबी का सवाल भी होगा, यूनीकोड BCD ASCII या फिर EBCDIC, बहुत वधिया सवाल है, ये मैं देखो कमेंट है जो मैं पिन कर लेना, देखो एक वीडियो है पंजाब अड्डा 24/7 से, वो देखो जाके वो थले मिल जूगी थोनू, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब खोलो, उत्थे जाके तुसी खोलना कि यूट्यूब जाके तुसी करना इत्थे टाइप पंजाब अड्डा 24/7 करना, टाइप की करना पंजाब अड्डा 24/7 टाइप करन तो बाद इत्थे आ इत्थे क्लिक करो तो वीडियोज़ ते जाओ, वीडियो ते जाके आ पई है, देखो साडे थोड़े सामने ये हजी साडी क्लास लाइव चल रही है, तो यह रही दूजी क्लास P SSB क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 वैकेंसी, ये उत्ते क्लिक करो तुसी, ते मैं इत्थे पिन करवा देना, इत्थे कमेंट च पिन करवा देना, ठीक है जी, इत्थे मैं पिन करवा लेना थोड़े लिए, कि मैं कर ही देना, बल्कि खड़े तो है ही हैं, आ लो जी आ करता पिन थोड़े लिए, ठीक है जी, ये कॉपी कर लियो उत्थे पेस्ट कर लियो हो जूगा, ठीक है जी। चलो जी हुण आपां रैपअप करदे, सत श्री अकाल सारे ने ध्यान रखना, 8 बजे मिलते हैं सवेरे करंट अफेयर की क्लास, शामी 4 बजे मैथ की क्लास, चलो जी।